नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। जिस तरीके से भारत दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना, इन सब चीजों को देखते हुए हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत समय दर समय अपने डिफेंस को इनहेंस करता रहे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत और यूएस के बीच में एक डिफेंस डील के ऊपर साइन होता है, जिसके तहत भारत में दो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बनाया जाएगा और उसके बाद भारत 31 ड्रोन भी परचेस करने वाला है यूएस से। अब ये न्यूज जैसे ही पब्लिक डोमेन में आता है, वैसे चाइनीज मीडिया बढ़ चढ़कर इस न्यूज को छापते हैं। और इनफैक्ट चाइनीज मीडिया तो कुछ इस तरीके से छापते हैं जैसे कि भारत और यूएस के बीच में ये जो डिफेंस डील साइन हुई है, ये खास करके चाइना को मद्देनजर रख के ही की गई है। चाहे हम बात करें भारत के बारे में या दुनिया के किसी और देश के बारे में, डिफेंस डील के बारे में हार्डली कोई देश खुल के बहुत कुछ बताते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी, जहां पे बहुत ही लिमिटेड तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, जिसके तहत भारत और यूएस के बीच में ये जो डील हुआ है, ये 80,000 करोड़ का डील हुआ है, जो कि अपने आप में काफी एक मैसिव अमाउंट हो जाता है। और जहां तक बात किया जाए इस MQ-9B ड्रोन के बारे में, तो एज पर मीडिया रिपोर्ट ये कहा जा रहा कि इसके बारे में नेगोशिएशन करते करते ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, क्योंकि जो डिफेंस डील या अग्रीमेंट होता है इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एंड टू एंड यूजर हो गया, और इनफैक्ट इसमें इतने सारे टेक्निकलिटीज होते हैं कि शायद आप और हम इसे समझ भी ना पाए। और अगर हम स्पेसिफिकली बात 9QMB ड्रोन के बारे में, तो इसके बारे में जो कहा जाता है या जो एज पर मीडिया रिपोर्ट है, ये ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक एयर में रह सकता है, और साथ में इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो कुछ 1700 किलो हो जाता है, जो कि अगेन अपने आप में काफी एक मैसिव वेट हो जाता है। और उसके बाद भी इसमें बहुत सारे जो आप है कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी रडार सिस्टम वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो अगर आप लमसम ये समझना चाहें कि 9QMB जो ड्रोन है वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव और केपेबल ड्रोन है, तो आप गलत नहीं रहेंगे। साथ में कुछ और बातों को मैं जोड़ना चाहूंगा। इस ड्रोन को बनाया जाता है यूएस के जनरल एटॉमिक्स कंपनी के द्वारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके पास काफी सालों का एक्सपर्टीज है। तो यहां से भी आप एक चीज समझ लीजिए कि जो डिफेंस डील वगैरह होता है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक जो साइकोलॉजी काम करता है वो फियर साइकोलॉजी काम करता है। और किसी भी तरीके से अगर भारत इन सब चीजों को परचेज कर रहा, तो उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो है यूएस, और यूएस में जो बैठे इतने बड़े बड़े वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो है। तो यहां से भी जो एक लमसम आइडिया अगर आप बैठाना चाहें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यूएस वॉर से इतना प्यार करता है। इस पूरे डिफेंस डील का जो सबसे बेहतरीन पार्ट जो मुझे लगा वो ये है कि जो दो न्यूक्लियर सबमरीन को बनाया जाएगा वो भारत में ही बनाया जाएगा, और भारत की एक बहुत ही फेमस प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को भी ये मौका मिला है कि वो इस सबमरीन के मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करें। तो प्रोजेक्ट जितना मुश्किल होता है, नो डाउट उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगते ही है, लेकिन जो उस पूरे प्रोसेस में जो हमारे इंजीनियर्स सीखेंगे वो चीज कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आज के डेट में यूएस रूल कर पाता है, या इनफैक्ट चाइना अगर रूल कर पाता है, तो उसके पीछे उनका डिफेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। और किसी भी तरीके से अगर देश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ चढ़कर अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रहने वाले हैं, तो इसीलिए जो इसका कैपेबिलिटीज रहेगा वो एज कंपेयर टू अदर सबमरीन्स उससे कहीं ज्यादा मोर एडवांस रहेगा, जो कि अपने साथ कहीं ज्यादा पेलोड कैपेसिटी को कैरी कर सकता है। और इनफैक्ट इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स रहे होंगे या रहेंगे। और उसमें से भी जो 31 9QMB हम ड्रोन लेने वाले हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा कि जो 15 यूनिट है वो मिलने वाले हमारे इंडियन नेवी को, और 8-8 मिलने वाले हमारे आर्मी को और एयरफोर्स को। हालांकि इसके बारे में अब तो कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट कितना नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या इनफैक्ट अगर आप इस पूरे न्यूज के बारे में बात करें तो आपको थोड़े बहुत इसमें वेरिएशंस मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुल के इसके बारे में बहुत कुछ बात नहीं किए हैं। जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो एज पर न्यूज एजेंसीज है। और ये हमारे सामने आ गया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से शब्दों का हेर फेर करके ये बताया गया है कि भारत और यूएस के बीच में ये जो डिफेंस डील साइन हुई है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने का है। अगर आप बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना के भी बहुत सारे ऐसे वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो बढ़ चढ़कर और सब देशों में वो आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं, या इनफैक्ट जिस तरीके से अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा, यहाँ पे बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि चाइना बहुत हद तक
रशिया को वेपन से सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ अगर कोई दूसरा देश या कोई भी देश जिसके संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं है, अगर वो अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देता है या किसी भी तरीके से अगर अपने एबिलिटी को बढ़ाता है तो ये चीज चाइना को पसंद नहीं होता है। तो जब आप किसी भी तरीके से एक नॉर्मल न्यूज को अलग अलग शब्दों से जब आप उसको नवाजते हैं तो आप कंप्लीट तरीके से उस न्यूज को एक आप अलग एंगल दे देते हैं। और साथ में अगर बात किया जाए तो आज भी चाइना इंडियन ओशन में उतना कैपेबल या उतना फेमिलियर नहीं है जितना फेमिलियर भारत है। इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप चाइना को कम करके समझें। चाइना अपने अलग अलग देशों में अपना मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा, तो किसी भी तरीके से अगर चाइना भले इंडियन ओशन में एज कम्पेयर टू इंडियन नेवी उतना कैपेबल ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से आप अपने दुश्मन को कमजोर करके नहीं देख सकते हैं। और जब भी मैं यूएस की इतनी बड़ी बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देखता हूं तो सोचता हूं कि काश अगर भारत इसका 50% भी अचीव करता या कर पाता तो हमारे पास भी ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से ही अपॉर्चुनिटीज होते जहां पे हम वेपन्स वगैरह बेच के एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते और कहीं ना कहीं अपना जो जियोपॉलिटिकल इंप्रेशन है उसको और भी अच्छे तरीके से दिखा पाते। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।